वहीं विजयादशमी पर भोपाल में बंगाली समुदाय के महिलाओं ने कालीबाड़ी में सिंदूर खेला का आयोजन किया। इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण जया बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन रहे। हालांकि वो यहां ज्यादा देर नहीं रुके। दशहरे के मौके पर अभिषेक अपनी मां के साथ मुंबई से भोपाल आए। जया और अभिषेक ने देवी मां को सिंदूर लगाया और पूजा की। मां बेटे करीब 5 मिनट यहाँ रहे और फिर नानी के घर के लिए रवाना हो गए। उज्जैन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर पथ संचलन निकाला गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई पदाधिकारियों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस और विजयादशमी के पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मार्गों से पथ संचलन निकाला गया। संचलन का लोगों ने भव्य स्वागत किया। मुरैना में नदी में 3 युवक डूब गए। जहां 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, 1 युवक अभी भी लापता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुरैना से सामने आ रही है, जहां पर नदी में 3 युवक डूब गए, 2 युवकों को सुरक्षित निकाला गया है। इसके अलावा 1 युवक अभी भी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। तो लापता युवक की तलाश जो है वो जारी है। बता दें कि चंबल नदी में विसर्जन के दौरान ही ये हादसा हुआ। तो मुरैना के चंबल नदी में 3 युवक डूब गए। माता प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए ये लोग यहां पर गए हुए थे, लेकिन उसी दौरान यह हादसा हो गया। वहीं स्थानीय गोताखोरों ने 2 युवकों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, वहीं 1 युवक अभी भी लापता है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही महुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तो प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए दरअसल ये लोग यहाँ पर गए हुए थे, लेकिन उसी दौरान हादसा हो गया, जिनमें से 3 लोग इस नदी में डूब गए। हालांकि 2 लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 1 युवक लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। तो चंबल नदी में 3 युवक डूब गए, हालांकि 1 युवक अभी भी लापता बताया जा रहा है। गोताखोरों की मदद से उस युवक को ढूंढने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि माता को विसर्जित, चूंकि माता की प्रतिमा, चूंकि 9 दिनों तक माता की पूजा की गई, माँ दुर्गा की पूजा की गई, और उसी दौरान जिन लोगों ने माता की प्रतिमा की पूजा की, उन प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए नदी में ये लोग गए हुए थे, और उसी दौरान ये हादसा हो गया। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लिया। मौके पर हालांकि पुलिस मौजूद है, लेकिन 1 युवक अभी भी लापता बताया जा रहा है। यह हादसा हो गया है, भीषण यह हादसा हुआ है, दुखद यह हादसा हुआ, जिसमें 2 युवक गनीमत रही कि 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 1 युवक अभी भी लापता बताया जा रहा है। वहीं चंबल नदी, ये बताई जा रही है, चंबल नदी में प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए ये लोग यहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन गनीमत रही कि 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दुखद खबर यह है कि 1 युवक अभी भी लापता बताया जा रहा है, जिसको ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है।